ब्रिज रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं लाल साग और चने दाल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और ये बहुत ही टेस्टी होती है और हेल्दी भी होती है। तो इसके लिए मैंने लिया है चना दाल। चना दाल को 2 से 2.5 घंटे तक पानी में डुबा कर रख दिया था और इस तरह से ये फूल गया है। और ये इस कप से आधा कप हम चना दाल लिए हैं, इसे अच्छी तरह से धो लिए हैं। और 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल है, नमक स्वाद के अनुसार यूज़ करेंगे, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर है। 1 बड़ा प्याज छोटे टुकड़ों में कटे हुए और 2 छोटे टमाटर छोटे टुकड़ों में कटे हुए, 3 हरी मिर्च इस तरह से काट लिए हैं, चाहे तो हम बारीक भी काट सकते हैं। 6-7 कलियाँ लहसुन के यूज़ किए हैं, इसके छिलके निकाल लिए हैं। 1/2 इंच अदरक को छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। और ये मैं साग कैसे साफ़ करेंगे ये बता दे रही हूँ। पहले तो मैं खुद साग साफ़ कर ली हूँ। इस तरह से नरम पत्ती को हम तोड़ेंगे, पतली टहनी है तो इस तरह से तोड़ेंगे और इसके रेशे निकाल लेंगे, ज़्यादा रेशे होगा तो हटा देंगे। और ज़्यादा छेद छेद पत्ता होगा, ख़राब पत्ता को इस तरह से हम साफ़ कर देंगे, इस तरह से रेशा निकालेंगे। इसमें 400 ग्राम हम साग का यूज़ किए हैं, 1 बंडल साग था। साग साफ हो जाने के बाद इसे अच्छी तरह से धो लेंगे, क्योंकि तो इसमें मिट्टी और बालू लगे रहते हैं, तो इसे अच्छी तरह से धो लेंगे और इसे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अगर नरम पत्ती है तो इसे हम सिर्फ तोड़ तोड़ कर ही साग बना लेते हैं तो गल जाता है, लेकिन मैं इसे काट ली हूँ, इसे बारीक बारीक काट लेंगे। और ये साग कट चुके हैं, अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसे गरम करेंगे और उसमें तेल डालेंगे। तेल जब गरम हो जाए तो इसमें छोटे टुकड़े कटे हुए अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे, 3 बड़ा चम्मच। इसमें सरसों के तेल का यूज़ किया है, चाहे तो हम कोई भी एडिबल ऑयल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे, प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का नरम होने तक इसको हम पकाएंगे, फ्राई करेंगे। उसके बाद हम जो लहसुन छिलकर रखे थे उसे हम कूट लेंगे, या तो हम लहसुन का पेस्ट यूज करेंगे या हम इसे कूट लेंगे, या छोटे टुकड़ों में काट कर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और इसे इस तेल में डाल देंगे, ऐसे भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। उसके बाद हम चना दाल को डाल लेते हैं और 1 मिनट के लिए चना दाल को भी भून लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सा हम नमक डालेंगे और थोड़ा सा बाद में डालेंगे, साग की मात्रा देखकर हम बाद में नमक डालेंगे। उसके बाद कटे हुए टमाटर डाल देंगे और इसे भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। कटे हुए साग डाल देंगे हम। अब ये साग जब गलेगा तो ये दब जाएगा, थोड़ी देर में ही ये दब जाएगा। इसको थोड़ा देर चलाएंगे तो इस तरह से ये देखिए गलने लगा है और ये थोड़ा कम होने लगेगा, चलाते चलाते ही ये कम होने लगेगा। और दाल के साथ, चना दाल के साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें हम नमक डाल देंगे, साग के हिसाब से हम नमक डाल दिए और पहले हम चना दाल में भी डाल दिए हैं। और इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पर रख देंगे। 5-6 मिनट के बाद इस तरह से गल चुका है साग और चना दाल भी गलने लगा है। जब जब हम इसे चलाएंगे इसे अच्छा से प्रेस करेंगे ताकि जो साग है वो पेस्ट हो जाए थोड़ा, इस तरह से हम इसको प्रेस कर करके चलाएंगे। इसको थोड़ी देर के लिए और हम ढक देंगे 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, ये और पानी छोड़ देगा उसके बाद से। और ये साग अपना पानी छोड़ दिया, इसमें कोई पानी हम यूज़ नहीं किए हैं और ये इसी पानी में ये गलेगा अच्छी तरह से। और ये बहुत अच्छा तरह से ये गल गया है, इसे प्रेस कर लेते हैं। जब भी हम चलाएंगे थोड़ा प्रेस करेंगे, दबा देंगे ताकि ये पेस्ट हो जाए। 1 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पर भूनेंगे ताकि इसका पानी सूख जाए। अब चेक कर लेते हैं दाल गल गया कि नहीं, और ये प्रेस हो रहा है अच्छी तरह से और ये गल चुका है।
अब हम इसे सर्व करते हैं, गैस बंद करते हैं। और लाल साग और चना दाल की रेसिपी बहुत ही अच्छी बनी है, और ये आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे ऐसे आने वाली रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।